हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले रीजनिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो मैंने रीजनिंग के टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसका पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। जो भी स्टूडेंट इन टॉप 200 क्वेश्चन को फॉलो कर लेगा, समझिए उसका रीजनिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं रीजनिंग के हर एक चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ में। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके की वीडियोज आपको मिलती रहे, रीजनिंग की भी, मैथ की भी और जीके की भी, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों, मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप बहुत ही कम लाइक करते हैं, तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके, या फिर आपका कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये मिसिंग नंबर जो है, इसमें लुप्त संख्या जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने है। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है और इसको कैसे करना है, आप खुद ट्राई जरूर कर लिया करें, क्योंकि इससे आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे क्या है कि 28 और 21 को प्लस किया गया है और उसमें 2 प्लस कर दिया। 28 21 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 49, और 49 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 51। तो वैसे यहाँ पे 25 और 17 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 42, और 42 में प्लस 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे 23 और 25 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 48, तो 48 में प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यानी कि आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलेंगे, तो जब देखिए आप कब कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें डेली 1 से 2 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। अगर आप डेली भी वीडियो देखते हैं तो आप समझिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही सिंपल सा, एक बार ट्राई करके देखिए, आप जरूर आंसर कर लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आ चुका है आपके एग्जाम में, आरपीएफ में या फिर कोई से दूसरे एग्जाम में, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अगर मैं इस सीरीज को देखूँ तो इसमें डिफरेंस चेक करूँगा मैं सबसे पहले, क्योंकि यही सीरीज का पैटर्न होता है करने का, कि इसका डिफरेंस चेक किया 9 आया, इन दोनों का डिफरेंस भी 9 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 9 है, तो नेक्स्ट भी डिफरेंस 9 ही आना चाहिए। और डिफरेंस किस तरीके से चल रहा है, प्लस 9 चल रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो अब 90 में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 99, और यहाँ पर भी 99 में प्लस आपने 9 किया तो 108, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, इनमें से विषम कौन सी है, कौन सी ऑड वन आउट है आपको निकालना है इनमें से, चारों ऑप्शन में से। तो ये देखिए, अगर मैं बताऊं आपको आंसर, आप ट्राई करके देख लीजिए वीडियो को रोक करके, इसमें ये सारे के सारे 19 के मल्टीपल हैं। देखिए, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 19 × 5, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 19 6 जा, ठीक है 114, और इसको लिख सकता हूँ 19 8 जा, ठीक है 152, बट ये 19 का मल्टीपल नहीं है, तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी इस वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो ये वाली इक्वेशन आपको सोल्व करनी है, 2 × 6 × 6 / 2, और ये आपको बताना है, मतलब ये इक्वेशन का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है, और साइन कैसे चेंज करने जैसे इन्होंने ऊपर बोले हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान होता है ये, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो बोर्ड मार्क्स का रूल ही अप्लाई करिएगा, यानी कि उल्टी सीधे मल्टीप्लाई और डिवाइड मत करिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे बोला माइनस का अर्थ क्या है, सॉरी प्लस का अर्थ माइनस है, तो जहाँ पे भी प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है तो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा जहाँ पे मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है तो जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे दोनों जो होंगे प्लस हो जाएगा। तो ये हमने साइन चेंज कर लिए, अब इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ पर आते हैं हम, साइन चेंज होने के बाद में कुछ ऐसा हो गया था, हमने अभी जो साइन चेंज किए थे, अब इसमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास कहता है, हमेशा बोर्ड मास का जो रूल है कि सबसे पहले जो भी ब्रैकेट होगा उसको सोल्व करेंगे, फिर ऑफ वाली मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और सबसे बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं है, इसमें डिवाइड और आपका प्लस है, तो सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ वाली मल्टीप्लाई नहीं, तो डिवाइड करेंगे, तो इसको 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे बोलता है डिवाइड हो गया आपका, मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए बस, 2 + 1 + 2 तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक एक माँ और उसकी पुत्री की आयु का योग जो है वो 60 वर्ष है, और उनके मध्य की आयु यानी कि जो बीच की आयु है, मध्य की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो माँ की आयु कितनी है। मध्य की आयु का मतलब है कि जो उनके बीच का डिफरेंस है, यानी कि जो भी पुत्री की आयु होगी और जो भी माता की आयु होगी, उनके बीच का अंतर 30 होगा। तो माता की आयु ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, जो 30 का मध्य बताया ना, ये माता की आयु एक्स्ट्रा होगी इतनी। भाई आप मान लीजिए कि जो पुत्री की आयु है 30 मान लेते हैं अभी, मतलब मैं एक समझा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और जो माता की आयु है वो 60 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 30 है। तो एक्स्ट्रा एज किसकी होगी, माँ की तो होगी ना, पुत्री की तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 30 अगर इसकी है तो 60 माता की हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से कंडीशन है। तो इसको सोल्व करके देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से सोल्व होगा। पर्सन के अनुसार माना पुत्री की आयु एक्स है, पुत्री की आयु मैंने एक्स मान ली, भाई एक्चुअल में तो नहीं पता ना, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था। माता की आयु कितनी हो जाएगी, माता की आयु एक्स प्लस 30 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी एक्स प्लस 30, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इनकी मतलब माता की आयु है वो 30 एक्स्ट्रा है, इनके बीच का जो अंतर है वो एक्स्ट्रा है इतनी। तो यहाँ पे एक्स मैंने मान लिया 30 है, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस 30 हो जाएगी माता की आयु। अब यहाँ पे इनकी आयु का जो योग है वो 60 है दोनों की मिला के, तो इन दोनों की आयु होगी कितनी, एक्स प्लस 30 ये हो जाएगी, और ये 60 के इक्वल हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2x यहाँ पे हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 30 इस साइड में जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15 आ गई है, ठीक है भाई, x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। अब माता की आयु कितनी हो जाएगी, तो माता की आयु पूछी है ना, तो x प्लस 30, माता की आयु कितनी थी, x प्लस 30, तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 45 वर्ष, तो माता की आयु 45 वर्ष हो जाएगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पे अगर ये जो मतलब उसकी पुत्री है उसकी आयु तो 15 होगी, माता की आयु 45 होगी, इनके बीच का अंतर कितना है, 30, तो अभी भी तो अंतर 30 ही है ना। तो ये था मतलब, और ये देखे तो माता की आयु 30 ज़्यादा है, तो यही मैं आपको बता रहा था ऊपर जो एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आरपीएफ का जो एग्जाम चल रहा है उसमें कई बार इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति रसोई घर और बगीचे के मध्य संबंध को निरूपित करती है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है रसोई घर और बगीचा। रसोई किसके अंदर आती है, घर के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको एक वेन डायग्राम ऐसा देखना है जिसके अंदर रसोई हो, तो बाहर वाला घर हो जाएगा, अंदर वाला रसोई, और बगीचा एक अलग हो गया, ठीक है ना। बगीचा का तो यहाँ पे एक तो डिफाइन नहीं किया गया कौन सा बगीचा, अगर फिर भी देखा जाए तो घर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो बगीचा का एक वेन डायग्राम अलग रहेगा, तो यहाँ पे दो का रिलेशन है, रसोई और घर का, और बगीचा अलग है। तो आपको मतलब तीन वाला एक ऐसा वेन डायग्राम देखना है जिसमें एक अलग सो रहा हो और दो एक दूसरे को रिलेट करते हो। तो डी मेरे को सिर्फ एक ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है, बाकी अगर मैं ए की बात करूं तो ए कभी नहीं हो सकता क्योंकि तीनों चीज़ों को अलग सो कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर बी की बात करूं तो बी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रसोई कंप्लीटली घर के अंदर ही आती है, तो ये आपका घर के अंदर कुछ भी सो नहीं किया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे से एक दूसरे का कुछ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि कुछ घर रसोई हो जाएंगे और कुछ रसोई घर और कुछ घर रसोई और कुछ बगीचे घर, इस तरीके से भी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, जैसे बीच में जो अंदर है ये रसोई हो जाएगी, बाहर वाला घर, और ये जो सबसे बाहर है ये बगीचा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इनको ट्राई भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश भी कर रहे होंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको भी ट्राई करके देखिए, लूप संख्या का ही ये क्वेश्चन है और उसमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए बेसिकली 2 की मल्टीप्लाई 4 में, यानी कि मल्टीप्लाई 4 में की गई है, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 × 4 = 24, और 1 की 4 में करेंगे तो 4, तो 9 की 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 36। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 36 आ जाएगा, यानी 36, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, 36 इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2 में करी गई है 4 की, 6 में भी 4 की, और 1 में भी 4 की, और 9 में भी 4 की मल्टीप्लाई की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर डायरेक्शन चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही प्यार से और बहुत ही एक एक स्टेप बताता हुआ चलूँगा और आपकी समझ में भी आएगा और आप डायरेक्शन वाले चैप्टर में कभी गलत डायरेक्शन में नहीं मुड़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला जा रहा है विराट बिंदु ए से बी की ओर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चला। भाई ए से बी की ओर पूर्व दिशा में जाना है सबसे पहले तो ये देख लीजिए, और 8 किलोमीटर जाना है। मैंने माना ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, कोई भी आप पॉइंट मान लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन की अगर बात की जा रही है इसमें तो जाना हमें कहाँ पे, पूर्व की ओर जाना है। तो आप कोई भी पॉइंट मान के ए से बी की ओर 8 किलोमीटर चल दीजिए, बट डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा कि आप पूर्व ये डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में आपने मूव किया है, ठीक है। अब इतना में तो कोई, मुझे नहीं लगता अभी तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, इतना तो सभी कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है 8 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, और जो कि सी बिंदु की ओर, मतलब सी बिंदु पे पहुंच जाता है। तो बी से जब वो दाएं मुड़ेगा, अब मुझे ये बताइए पूर्व की ओर इस डायरेक्शन में वो मुंह करके खड़ा है, फेस उसका किस डायरेक्शन में, पूर्व की ओर है, इस डायरेक्शन में। आप यहाँ पे खड़े होइए, अभी आप खुद मोबाइल पकड़े हो अपने हाथ में, वीडियो को देख रहे हो, आप खुद सोच के देखिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे खड़ा होने के बाद में मेरा जो राइट हैंड रहेगा, दाएं साइड रहेगा ये रहेगी, और बाएं साइड ये रहेगी। तो जब बोला है दाएं साइड में मुड़ना है तो ये साइड में मुड़िए और 12 किलोमीटर चल दीजिए। तो ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल रहेगा सोचना कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा हाथ किस साइड में आएगा, दाएं कौन सा रहेगा, बाएं कौन सा रहेगा, ठीक है। अपने आप को मान के चले ना कि मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब मैं दाएं मुड़ रहा हूँ तो यहाँ पे आऊँगा, अब सी पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ। अब आपका फेस किस डायरेक्शन में, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, फेस हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे कहाँ पे इनको, कहाँ पे मुड़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत ही आराम आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट समझ में आना चाहिए। 12 किलोमीटर की चलकर सी बिंदु की ओर गया और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ रहा है, अब मुझे ये बताइए जो इस डायरेक्शन में मुँह करके खड़ा होगा तो जो जिस साइड में आपका दाएं है वो उसका बाएं हो जाएगा, और जो आपका बाएं है वो उसका दाएं हो जाएगा। तो आपका दाएं को जिस, जो साइड में आपकी दाएं है उसकी वो सॉरी जो उसका, आपका बाएं है वो उसका दाएं हो जाएगा, यानी कि उसने दाएं साइड में मुड़ना है तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, अभी आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपका बाएं साइड है, बट ये जो सामने से आ रहा है ये इसका दाएं साइड हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बताया था, अगर डायरेक्शन ये वाली है, अगर डायरेक्शन सामने को जा रहा है कोई, तो जो साइड आपकी जिस तरीके से आप बैठे हैं वैसे ही आपके लेफ्ट राइट रहेगा। अगर डायरेक्शन ये वाली हो गई तो इसमें लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, जो आपका राइट है वो उसका लेफ्ट हो जाएगा, जो उसका लेफ्ट है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, अभी डी पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आप बस फेस पे ध्यान रखिए कि फेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब 4 किलोमीटर चलने के बाद में फिर देखते हैं कहाँ पे मुड़ने के लिए बोला है। डी बिंदु की ओर गया और फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर बिंदु ई की ओर गया। अब उसके बाद फिर उसे दाएं मुड़ना है और 8 किलोमीटर चलना है। अब जब फेस इस डायरेक्शन में होगा तो राइट साइड ये हो जाएगा, दाएं साइड ये हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर चल के वो ई पॉइंट पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ रहा होगा। 8 किलोमीटर चल के बिंदु ई की ओर आ गए और गया। ई बिंदु से वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई की ओर गया। अब वो बाएं मुड़ता है और किस एफ बिंदु की ओर जाता है, 4 किलोमीटर, ठीक है, ई से। तो बाएं मुड़ेगा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो बाएं कौन सा होगा, अभी डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर को जा रहा है, जिस तरीके से आप बैठे हैं उसी तरीके से वो जा रहा है, यानी कि उसी डायरेक्शन में उसका भी फेस है। तो बाएं ये हो जाएगा, 4 किलोमीटर चल के वो एफ पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच गया भाई, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में, बताए वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, जितना भी इसमें मतलब था ना काम वो सारा चलने वाला ही था, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप गलत मूव कर दिया तो समझिए पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन में मूव करना आपको आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही आसान से तरीके से, आप गलती नहीं करेंगे अगर आप इस तरीके से चलते हैं क्वेश्चन में। एक एक लाइन को पढ़िए, आपका फेस किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आप खुद को सोचिए कि मैं उस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हूँ, और किस डायरेक्शन में मुड़ना है उस डायरेक्शन में मुड़ जाइए, ठीक है। अभी वो यहां पे खड़ा है और यहां से वो चला था, तो ये इसके बीच की दूरी आपको बतानी है। बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या करेंगे, ये पूरी डिस्टेंस जोड़ के आंसर बता देंगे, वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, बट ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। यहां पे पूछा है अभी कितनी दूरी पर वो खड़ा है जहां से वो चला था, तो यहां से वो चला था और यहां पे खड़ा है, तो आप देख लीजिए पूरी की पूरी 12 किलोमीटर थी और यहां से यहां तक की 8 है, ठीक है, यानी कि इतनी ये 8 है, तो 12 में से 8 को माइनस कर देंगे तो बचेगी ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर, तो उसका राइट आंसर 4 किलोमीटर हो जाएगा।
तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे, क्योंकि शुरू में अगर बेसिक से क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहे हैं, तो लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ अच्छे मिलेंगे। वो इसलिए मैं बोलता हूँ वो उन बच्चों के लिए होते हैं जो पूरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए वेन आरेखा में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है। किसी भी ठीक दो सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। सबसे पहली बात यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक दो सम्मेलनों में, तो सिर्फ दो की बात की करी है यहाँ पे, और अगर दो से अधिक है या दो से कम है वो नहीं आपको लेना है। तो ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में ही, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन में मतलब आपको दिया जाएगा, जिसमें भौतिक विज्ञान सम्मेलनों में भाग लेने वाले ये हैं, और गणित में भाग लेने वाले ये हैं, और रासायनिक विज्ञान में भाग लेने वाले ये हैं, और जीव विज्ञान में भाग लेने वाले आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले हो जाएंगे, आई थिंक ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी दो विषयों में भाग लेने वालों की संख्या बताइए टोटल कितनी है। तो दो में भाग कौन कौन ले रहे हैं भाई, अगर मैं इस वाले की बात करूँ, इस पाँच की, तो ये दो में भाग ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं पाँच एक साइड में, ठीक है। प्लस अगर मैं इस सात की बात करूँ, ये वाले सात की, तो ये भी दो में भाग ले रहा है, एक तो इसमें भौतिक विज्ञान में और एक जीव विज्ञान वाले में, ठीक है। तो इस सात को भी मैं प्लस कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारा कौन सा, इस 14 की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी देखिए भौतिक विज्ञान में भी है और गणित वाले में भी है, गणित सम्मेलन में भी है, तो ये भी आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ यहाँ पे 10 की, तो ये भी आपका गणित में भी है और ये रासायनिक विज्ञान में भी है, तो यहाँ पे ये 10 भी प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास 5, 7, 14, 10 हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अलग से लिख लेता हूँ 5, 7, 14 और 10, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कोई और भी बचा जो दो में और लिया नहीं हमने। अभी देखिए जैसे ये है, आप इसको सोच रहे होंगे दो क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये 3 में आ गया, ये देखिए रासायनिक विज्ञान में भी है, ये गणित में भी और भौतिक विज्ञान में भी है, तो इसको नहीं ले सकते हैं। वैसे ही ये आपका 4 भी नहीं ले सकते हैं, ये भी 3 में आ गया, ठीक है। तो जो 3 में है और जो 1 में है, जैसे ये 13 1 में हो गया, ये 6 भी 1 में, तो इनको भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया केवल जो दो में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। तो वो केवल सिर्फ 5, 14, 7 और 10 है, ठीक है। तो इनको प्लस कर लीजिए, 5, 7, 14 और 10 कितने हो जाएंगे आपके, प्लस करिए इनको, 36 आई थिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो 36 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ दो का बोला है तो दो के ही काउंट करने हैं। अगर यहाँ पे बोला जाता है दो से ज़्यादा में कौन कितने भाग ले रहे हैं, तो दो से ज़्यादा आपके कितने हो जाते, फिर ये भी लेते हम, ये भी लेते, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बोला जाता है केवल एक सब्जेक्ट में भाग ले रहे हैं, वो कितने यहाँ पे स्टूडेंट है, वो उनका सम बताइए, तो केवल 6 और 13 और 10 का हमें लेना था, ठीक है, और 8 भी लेते। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हुए करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोत्साहित करना, फिर नेक्स्ट लिखा है रोक लगाना। तो प्रोत्साहित करना रोक लगाना का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसमें रिलेशन क्या हो अपोजिट वर्ड का हो। तो यहाँ पे ए है लाभ सफलता, तो लाभ सफलता तो भाई एक ही चीज़ हो गई, कुछ लाभ होना सफलता होना, यानी कि अपोजिट नहीं है। दुर्लभता और अधिशेष ये आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते कोई और भी है कि देखना, विश्वास करना, तो ये भी नहीं होगा। हृदय आत्मा ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लेते हैं, जो 11 है आपका। ये क्वेश्चन है कि ए सी एफ को जे एल ओ लिखा जा रहा है, यानी कि किसी सीरीज से, तो यू डब्ल्यू जेड को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहली तो बात, ये एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें मैक्सिमम में प्लस माइनस मल्टीप्लाई चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, जो कि मैं आपको हज़ार बार बोल चुका हूँ कि याद कर लीजिए, याद नहीं हो सकते तो आपको लिख के कर लीजिए। लिखना कैसे है, ए से एम तक लिखिए, एम के नीचे एन, एन से जेड तक, ये लिख लीजिए जब भी रफ शीट आपको मिलती है एग्जाम में, एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चल क्या रहा है, प्लस 9 चल रहा है, प्लस 9 करेंगे तो जी आ जाएगा, प्लस 9 करेंगे तो एल हो जाएगा, एफ में प्लस 9 तो ओ हो जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, प्लस 9 तो इसमें करेंगे तो डी हो जाएगा, प्लस 9 करेंगे तो आपका एफ हो जाएगा, और जेड में प्लस 9 करेंगे तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी एफ आई, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, ठीक है।
अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखाता हूँ, वो भी आपको बताना है। नीचे दोनों का आंसर बताना है, डेली मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि कितने सीरियस स्टूडेंट हैं जो वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि तो मैं क्वेश्चंस की थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, बट उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, वीडियो को लाइक चाहिए, वीडियो को शेयर चाहिए, क्योंकि जो कि आप बहुत ही कम करते हैं, बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट भी नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो प्लीज़ आप हमेशा सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है, वीडियो को रोक करके आप ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसका सोल्यूशन इस वीडियो में ही है भाई, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बताऊंगा अभी, दो मिनट रुकिए। कहां से मिलेगा आपको पीडीएफ? तो इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ये 13 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, इससे नीचे वाली स्लाइड में। तो आप ये जो भी आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और